अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। केमिकल बॉन्डिंग जब दो केमिकल्स आपस में बाइंड होते हैं, इस अंदाज से बाइंड हो जाए, एक ऐसा रिलेशन क्रिएट कर लें कि वो सेपरेट हों, तो सेपरेट होने के लिए बहुत ही हमें कोई एक एनर्जी और फोर्स रिक्वायर्ड हो, या वो एक ऐसा रिलेशन कायम करें जिस रिलेशन के अंदर उन्होंने किसी दूसरे एलिमेंट को कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें हों, या उस दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करें हों। ऐसा रिलेशन इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग, यानी कि डोनेट और रिसीव करने से कुछ रिलेशन क्रिएट होते हैं। इस तरह के रिलेशन को, इस तरह की बाइंडिंग को हम केमिकल बाइंडिंग कहते हैं। तमाम तौर नॉर्मल केमिकल्स के दरमियान होती है। बात करेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल बॉन्डिंग की जो टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट टाइप आयोनिक बॉन्ड बॉन्डिंग की है, आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को आपस में डोनेट करते हैं या रिसीव करते हैं। हम कह दें कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का। आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जबकि दूसरी बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन को अगर किसी एलिमेंट से बॉन्डिंग करनी है तो या तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, उसे ऑक्टल कंप्लीट करना है। ऑक्टल लास्ट शेल को कहते हैं, यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को अब कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसका ऑक्टल कंप्लीट होगा, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ट्रांसफ़र करवा देगा तो इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में ड्यूअल कंप्लीट होना होता है। तो बात हम ऑक्टल की, लेकिन ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हवाले से इसका तो है ही फर्स्ट शेल, इसमें ऑक्टल कंप्लीट नहीं होगा बल्कि इसमें डुकेट कंप्लीट होगा, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे या तो कोई इलेक्ट्रॉन दे दे एक तो इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाए, या ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम ले रहे हैं क्लोरीन को। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड होकर HCl की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि सेकंड में 8 होते हैं, और थर्ड शेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए क्लोरीन के लास्ट शेल में, यानी कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ट्रांसफ़र करवा दिया क्लोरीन के, और हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर इस फॉर्म में रहेंगे, तो ये बॉन्डिंग जो कहलाएगी ये हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग कहलाएगी। और आयोनिक बॉन्डिंग में हुआ क्या कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया, यानी हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए अपने एक लास्ट शेल में मौजूद, अपने शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करवा दिए क्लोरीन के, और क्लोरीन के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब
ये बॉन्डिंग जो कहलाएगी ये हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग कहलाएगी। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम बात करेंगे NaCl की। NaCl नॉर्मली जिसे हम सॉल्ट नमक कहते हैं, Na प्लस Cl, NaCl की फॉर्मेशन। NaCl में भी सोडियम, हम जानते हैं कि मेटल है और सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, जबकि थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की हमने बात करी थी कि क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये लास्ट शेल का ये एक इलेक्ट्रॉन, जब इसे कम्प्लीटली सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर करवा देगा और उसका ऑक्टल कंप्लीट हो जाएगा, इसका ये शेल लास्ट शेल ख़त्म हो जाएगा, जबकि इसका ऑक्टल पहले से पिछले शेल में, उससे प्रीवियस सेल में मौजूद 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्टल उसका कंप्लीट है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में क्रिएट करेंगे रिलेशन, किससे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ये रिलेशन बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह का रिलेशन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। इसी तरीके से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, ये डोनेट करने की वजह से डोनर कहलाएगा, जबकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है, इसलिए इसे डोनेट प्लस 1 इस पर वैलेंसी आएगी, जबकि माइनस 1 की वैलेंसी इस पर आएगी। इसी तरीके से जब हमारे पास इसने फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी प्लस 1, इसकी माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 से कैंसिल और हम सोडियम क्लोराइड के ऊपर कोई वैलेंसी शो नहीं करते। ये थी हमारी केमिकल बॉन्डिंग। सो हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इज दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सॉ, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में आयोनिक बॉन्ड की क्रिएशन होती है, कम कुछ इलेक्ट्रॉन्स के कम्प्लीटली ट्रांसफर होने की वजह से दूसरे एलिमेंट में इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है और शेयरिंग दो एलिमेंट्स के दरमियान, सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जबकि अनलाइक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लाइक और अनलाइक दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास तीन टाइप्स हैं, फर्स्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड डबल एंड द थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी लास्ट शेल में, यानी इसके एक ही शेल होता है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। इससे अपना डुकेट पूरा कंप्लीट करना है, इसको भी अपना डुकेट कंप्लीट करना है। अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में ट्रांसफ़र तो करवा नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, अगर इसने ट्रांसफ़र करवा दिया तो उसका तो कंप्लीट हो जाएगा, इसका नहीं होगा। इसी तरीके से तो हमारे पास ये आपस में जब शेयरिंग करेंगे तो ये शेयरिंग करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। लेविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे इस तरह से शो कर दें कि फॉर एग्जांपल इसका ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था और इसने इसके साथ ही शेयर कर लिया, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट हाइड्रोजन ये भी यूज़ कर सकेगा, जबकि इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये दूसरा हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकेगा। इस तरह की जो बॉन्डिंग कहलाएगी जिसमें शेयरिंग हो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की, वन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रखे गए और एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर किया गया है, इस तरह की बॉन्डिंग हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल में हम लेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के साथ मिलकर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8,
फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 6, 6 के बाद 8 कंप्लीट करने के लिए यानी ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट के लिए ये ऑक्सीजन अपने लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में जो 2 6 4 2 में फर्स्ट में 2 सेकंड में 6 जो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 लोन पेयर्स छोड़ देगा जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी शेयरिंग के लिए दे देगा। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन अपने 2 लोन पेयर्स अपने पास रखेगा जबकि बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए दे देगा। ये अंदाज इस ऑक्सीजन का ऑक्टल इस अंदाज से इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा जबकि इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टल इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर इस अंदाज से अगर ये दोनों शेयरिंग करें तो हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स जबकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन की 2 पेयर्स के शेयर करने से ऑक्सीजन का ऑक्टल कंप्लीट हो रहा है। दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टल कंप्लीट हो रहा है। इस तरह की बॉन्डिंग के 2 ऑक्सीजन या 2 एलिमेंट्स के दरमियान लाइक एलिमेंट्स के दरमियान 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की शेयरिंग हो जाए इस मेथड को इस बॉन्डिंग को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं या डबल कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। बात कर लेते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल लेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 होता है। एटॉमिक नंबर 7 फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि सेकंड में 5 होंगे। 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने यहां रखेगा, एक लोन पेयर इसका रह जाएगा जबकि दूसरा नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास इसका ऑक्टल कंप्लीट और यहां पर इसका ऑक्टल कंप्लीट। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने शेयरिंग के लिए रखे यानी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए रखे गए। इस तरह की बॉन्डिंग हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी यानी एक इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट्स ने शेयरिंग के लिए रखे हैं एक एलिमेंट्स तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आई होप कि आपको कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। बाकी मजीद टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह के मान, अस्सलाम वालेकुम।